राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 16। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 16। आहाज का राज्य। रमल्याह के पुत्र पेकह के 17वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया और ऊंच स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। तब अराम के राजा रसीन और रमल्याह के पुत्र इसराइल के राजा पेकह ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्होंने आहाज को घेर लिया, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। उस समय अराम के राजा रसीन ने एलत को अराम के वश में करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। तब अरामी लोग एलत को गए और आज के दिन तक वहां रहते हैं। और आहाज ने एक दूत भेजकर अश्शूर के राजा तिगलत पिलेसेर से कहा कि मुझे अपना दास वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे अराम के राजा और इसराइल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। और आहाज ने यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में जितना सोना चांदी मिला उसे अश्शूर के राजा के पास भेंट करके भेज दिया। उसकी मानकर अश्शूर के राजा ने दमिश्क पर चढ़ाई की और उसे लेकर उसके लोगों को बंधुआ करके कीर को ले गया और रसीन को मार डाला। तब राजा आहाज अश्शूर के राजा तिगलत पिलेसेर से भेंट करने के लिए दमिश्क को गया और वहां की वेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा उरियाह याजक के पास नमूना करके भेज दिया और ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दमिश्क से भेजा था उरियाह याजक ने राजा आहाज के दमिश्क से आने तक एक वेदी बना दी। जब राजा दमिश्क से आया तब उसने उस वेदी को देखा और उसके निकट जाकर उस पर बलि चढ़ाए। उसी वेदी पर उसने अपना होम बलि और अन्न बलि जलाया और अर्घ दिया और मेल बलियों का लोहू छिड़क दिया और पीतल की जो वेदी यहोवा के सामने रहती थी उसको उसने भवन के सामने से अर्थात अपनी वेदी और यहोवा के भवन के बीच से हटाकर उस वेदी की उत्तर की ओर रख दिया। तब राजा आहाज ने उरियाह को यह आज्ञा दी कि भोर के होम बलि और सांझ के अन्न बलि, राजा के होम बलि और उसके अन्न बलि और सब साधारण लोगों के होम बलि और अर्घ बड़ी वेदी पर चढ़ाया कर और होम बलियों और मेल बलियों का सब लोहू उस पर छिड़क और पीतल की वेदी के विषय में मैं विचार करूंगा। राजा आहाज की इस आज्ञा के अनुसार उजियाह याजक ने किया। फिर राजा आहाज ने कुर्सियों की पटरियों को काट डाला और हौदियों को उन पर से उतार दिया और बड़े हौद को उन पीतल के बैलों पर से जो उसके तले थे उतारकर पत्थरों के फर्श पर धर दिया और विश्राम के दिन के लिए जो छाया हुआ स्थान भवन में बना था और राजा के बाहर के प्रवेश करने का फाटक उनको उसने अश्शूर के राजा के कारण यहोवा के भवन से अलग कर दिया। आहाज के और काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।